साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। जल निगम भर्ती घोटाले में आज रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की सीबीआई कोर्ट में पेशी कराई जाएगी। सीतापुर जेल में बंद आजम को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस की विशेष टीम लखनऊ के केसरबाग स्थित सीबीआई की विशेष अदालत लेकर जा रही है। सीतापुर के सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा के बीच आजम खान को लखनऊ लाया जाएगा। सपा की सरकार के दौरान जल निगम में 1300 भर्ती में गड़बड़ी को लेकर सुनवाई होगी, जिसमें आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं मामले में एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की है। मामले में 2017 में आजम खान पर एफआईआर दर्ज हुई थी। बता दें कि आजम खान 28 महीने से सीतापुर जेल में बंद है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, कई मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी एक ऐसा मामला है जिसमें जमानत नहीं मिली है और आज उन्हें लखनऊ लाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी, इसका आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम विधायक आजम खान को आज कैसरबाग स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आपको बताएं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस समय जो जल निगम बोर्ड था उसके अध्यक्ष आजम खान हुआ करते थे, तो उस समय नियुक्ति को लेकर घोटाले के आरोप में उनको आज उनके ऊपर केस चल रहा है। साथ ही साथ जो उस समय अधिकारी थे, संबंधित अधिकारी थे, उनको भी नामजद किया गया। वहीं आपको बताएं कि अगर बात करें तो सहायक अभियंता की 853 सीट एवं अपर अभियंता के 335 सीट और क्लर्क के 32 सीट और अशुलिपिक समेत 1342 पदों पर घोटाले को लेकर आज पेश किया जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि भर्ती के आरोप को लेकर आजम खान को पहले भी तलब किया जा चुका है। वहीं आपको बताएं कि अगर देखें तो विगत 5 सालों के अंदर में आजम खान पे अब तक 89 मुकदमे चल रहे थे। लगभग इसमें से आपको बताएं कि 86 मुकदमे में उन्हें जमानत मिल गई है। वहीं अगर बात की जाए तो आज का जो मामला है वो जल बोर्ड की भर्ती में घोटाले का है। वहीं आपको बताएं कि जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि भर्ती में सभी नियमों को ताक पे रखकर और भर्ती किया गया था, जिसको लेकर बाद में जांच में पता चला कि नौकरी देने के लिए भर्ती के सारे नियम ताक पे रख दिए गए थे, जिसको लेकर उनके ऊपर मुकदमा किया गया। और उस मुकदमे में आज वे विशेष अदालत में कैसरबाग पेश किया जा रहा है। वही अब देखने वाली बात यह होगी कि आजम खान को जो तमाम अगर देखे तो जो उनके 89 केस अब तक बताए जा रहे हैं तो उसमें से लगभग 86 में उन्हें बेल मिल चुकी है। और वहीं अगर बात करें जौहर यूनिवर्सिटी और जल बोर्ड घोटाले की, तो आज अब देखने वाली बात होगी कि आज उनके फैसले में क्या आता है या फैसला आगे के लिए बढ़ाया जाता है। वहीं आपको बताएं कि आज सुबह बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती की तरफ से कहा गया है कि वो आजम खान के समर्थन करती है और आजम खान निर्दोष है। उनको जो यातनाएं दी जा रही है जेल के अंदर में, वो एक वरिष्ठतम नेता है, उनके ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं आपको बताएं कि मायावती की तरफ से पेशकश भी की गई है कि आने वाले चुनाव में अगर बात की जाए तो जो हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, पश्चिम की अगर देखा जाए तो पश्चिम के जो जिले हैं उसमें जो दलित वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, उसको उसमें एक बसपा का ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिला, जिसको लेकर मायावती ने तर्क दिया है कि अगर हम एक होंगे तो आप जरूर सत्ता में आएंगे। तो साफ तौर पे वो आजम खान को अपनी पार्टी में आमंत्रण कर रही है एक तौर पे। जी विभांशु, जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, हर दल जिस तरह से आजम खान को बचाने के लिए बात कह रहा है, उनकी पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार उन्हें मामलों में जमानत भी मिल रही है, तो क्या लगता है, क्या कुछ संभावना है कि आज भी इस तरीके से कुछ देखने को मिल सकता है? जी शिखा, आपको बताया कि विगत दिनों आप देख रही है कि कांग्रेस की तरफ से डेलीगेट के तौर पे आचार्य प्रमोद जाते हैं, और वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के डेलीगेट और लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा जेल में जाते हैं, मगर उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। वहीं आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लोग मिलते हैं, मगर समाजवादी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं आजम खान दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आज के केस में, आज का जो मामला है उसमें किस तरह का फैसला आता है और क्या उनके ऊपर जो वो निर्दोष साबित होते हैं या दोषी, वो तो फैसला आने के बाद पता चलेगा।
मगर आप देख सकते हैं कि विपक्ष की सभी पार्टी आजम खान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। मगर आजम खान को अगर बात की जाए तो उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, ना ही एक साफ तौर पे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के जो आरोप लगाए जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें उनकी अवहेलना की है, उन्हें दरकिनार किया है। तो इसपे अभी बात की जाए तो अब्दुल्ला आजम का कोई ऐसा बयान नहीं आया, मगर अगर अन्य पार्टियों की बात की जाए तो सभी पार्टी, चाहे बात की जाए आम आदमी पार्टी, चाहे बात की जाए कांग्रेस, चाहे बात की जाए समाजवादी पार्टी जो कि विशेष अभी तत्काल में सदस्य है, चाहे बात की जाए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, वो भी आजम खान से मिले और बोले आजम भाई बहुत ही वहां पीड़ित हैं और बहुत ही वो कमजोर पड़ गए हैं, उनके साथ मैं खड़ा हूँ, मेरे आजम मेरे भाई है। शिवपाल के बयान के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि आजम खान अब शिवपाल की बसपा में जा सकते हैं, मगर देखने वाली बात होगी कि आज के जो फैसले हैं उसमें कौन उनके साथ खड़ा होता है और अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो वो किस तरफ अपना रुख आजमाते हैं। जी विभाषु, तमाम विपक्षी दल तो आजम खान के साथ खड़े नजर आ रहे, लेकिन अखिलेश के बयान को देखिए, जिस तरह से बीते दिन उनका बयान सामने आया है कि उनको नए नए मामलों में फंसाया जा रहा है, सपा उनके साथ है, तो क्या लगता है कि सपा का समर्थन भी मिल रहा है? जिस तरह से सभी दल आजम खान को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, सपा भी इस कड़ी में आगे नजर आ रही है, कहीं ना कहीं साथ नहीं छोड़ना चाहते अखिलेश भी आजम का? जी बेशक, आपने देखा कि हाल ही दिनों में अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर बयान दिया था और कहा था कि वो हमारे पार्टी के एक मजबूत पिलर है और उनके बदौलत पार्टी आज इस आज जगह पहुंची है, वो उसमें एक आजम खान का एक बहुत बड़ा ही योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं देखे तो आजम खान के साथ जो बयानों से बचते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे थे, उसमें अब अखिलेश यादव खुल के उनके समर्थन में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश, अगर देखा जाए और राजनीतिक पंडितों की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आजम खान शिवपाल यादव की बसपा एवं कांग्रेस और बसपा की जो आज पेशकश की गई है, तो आजम खान को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को डर है कि वो किसी अन्य दल में ना जाके सम्मिलित हो जाए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा में अगर दो चेहरे समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद चुन के आए उसमें से दो चेहरों के बहुत बोलबाला था पार्लियामेंट के अंदर में, लोकसभा के अंदर में, तो उसमें आप देख रही थी कि आजम खान और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को बड़े ही अच्छे से प्रमोट करते हुए आ रहे थे, मुद्दों पे बात करते हुए आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जोड़ी जो मानी जा रही थी वो टूटेगी या बचेगी वो आने वाला समय बताएगा, मगर आज के केस में ये देखने वाली बात होगी कि अगर उन्हें उनके ऊपर दोष सिद्ध होता है या निर्दोष होते हैं तो कौन उनके साथ खड़ा होता है। वही अगर देखें तो आजम खान के जो तमाम मुकदमे हैं, जो जिनकी संख्या लगभग 89 बताई जा रही है, उसमें 86 मामले सिद्ध हो चुके हैं। वही समाजवादी पार्टी के एक विधायक के द्वारा कहा गया था कि जब इतने मुकदमे किए गए तो इसमें कैसे निर्दोष साबित हो गए, सरकार उन्हें जानबूझकर फंसा रही है। वही बीजेपी ने भी आजम खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पेश किया हाल ही के दिनों में, उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव उन्हें दरकिनार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखे तो आजम खान का जो मामला है वो अन्य पार्टी भी चाहती है कि आजम खान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। वही आप देख रही है कि अखिलेश यादव भी अब हो रहे हैं, तो अब फैसले के बाद देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी उनके साथ आती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। तो सीधे तौर पे आजम खान को हर पार्टी अपने साथ लाना चाहती है क्योंकि एक अच्छा वोट बैंक उनके साथ है और अगर वो सपा से अलग होते हैं तो बड़ा झटका लगेगा सपा को, इसी वजह से अब अखिलेश भी उनकी तरफ से बयान जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा का मंदिर मस्जिद का विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज ईदगाह मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद की सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष का आरोप है कि ईदगाह मस्जिद कृष्ण मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इस विवाद का जल्द से जल्द निपटारा हो, ईदगाह मस्जिद का मामला मथुरा की स्थानीय कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्षकारों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस केस की रोजाना सुनवाई और जल्द से जल्द निपटारा करने का आदेश देने की मांग करी है। हिंदू पक्षकारों ने हाई कोर्ट से मांग की है कि अगर दूसरा पक्ष सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं रहता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और एक तरफा आदेश पारित हो, मुकदमे का ट्रायल हाईकोर्ट अपनी निगरानी में कराए और विवादित जगह का जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल दोपहर 12 बजे हिंदू पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई होगी।
तो श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में सुनवाई होगी। आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब यह मामला चला गया है, जिसमें आज कार्यवाही होगी। लगातार जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको लेकर अब एक तरह से विवाद शुरू हो गया है, वो चाहे वाराणसी में ज्ञानव्यापी हो या फिर ताजमहल हो, कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह हो, तो इन सभी चीजों को लेकर अब माहौल खराब होता जा रहा है। कह सकते हैं कि एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, जो कि लोगों की धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंचा सकता है। अब लगातार बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। मथुरा का मंदिर मस्जिद का विवाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले की सुनवाई होनी है आज, और जिस तरह से ये लगातार धार्मिक स्थलों से जुड़े मामले तूल पकड़ते जा रहे हैं, जहां पहले ज्ञानव्यापी को लेके ये विवाद शुरू हुआ, फोटोग्राफी से वीडियोग्राफी से ये विवाद शुरू हुआ, ताजमहल के 20 बंद कमरों को लेके भी विवाद शुरू हुआ, कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले से जुड़ी याचिकाएं भी अब पेश की जा रही हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ईदगाह मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद की सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष का आरोप है कि ईदगाह मस्जिद कृष्ण मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इस विवाद का जल्द से जल्द निपटारा करने की मांग की गई है। ईदगाह मस्जिद का मामला मथुरा की स्थानीय कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्षकारों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस केस की रोजाना सुनवाई और जल्द से जल्द निपटारा करने की बात कही है और मांग करी है। साथ ही हिंदू पक्षकारों ने हाईकोर्ट से मांग की है कि अगर दूसरा पक्ष सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं रहता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, देश में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, धार्मिक स्थलों को लेकर ये मामला लगातार गर्मा रहा है, वो चाहे आगरा का ताजमहल हो, वाराणसी का ज्ञानव्यापी हो या फिर कृष्ण जन्मभूमि की ईदगाह की बात करी जाए, तो ये जो माहौल बन रहा है इसके पीछे की मुख्य वजह क्या नजर आ रही है, आखिर ये मुद्दे क्यों उठने लगे देश में? देखिए, मुख्य वजह की अगर बात करें हम सिखा, तो यहाँ पर मुख्य वजह है इतिहासकारों का मतभेद। इतिहास का मतभेद क्या है, जितनी इतिहासकारों ने बताया है कि वो धार्मिक जो भूमि है, धार्मिक इमारत है, वो विशेष समुदाय की है। उसके बाद इतिहासकार ने ये देता है कि पहले क्या था और पहले बार में उसको कैसे किया गया और निर्माण अगर किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो मामला है लगातार ये कहा जा रहा है कि जैसे राम मंदिर में अयोध्या में वहां पर अभिलेख मिले थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया, उन्होंने कहा था कि नहीं, वहां पर जो जमीन है वो श्री रामकृष्ण जन्मभूमि की है और उनको दी जाए, और बाद में वहां पर नर्मदा मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। उसके साथ ही साथ जब काशी में यही मामला चल रहा है, ज्ञानवापी और सिंगार गौरी मंदिर का मामला है, कहा जा रहा है कि सिंगार गौरी मंदिर है जो ज्ञानवापी मंदिर की दीवार से जुड़ा हुआ है, वो ज्ञानवापी मस्जिद है, वो भी इसी मंदिर का हिस्सा है, और वहां पर अवैध रूप से निर्माण कराया गया था मस्जिद का, और इसके लिए लगातार वीडियोग्राफी कहा गया है, वीडियोग्राफी और सर्वे की बात कही गई है। हालांकि अगर वीडियोग्राफी की बात करें 10 मई को रिपोर्ट नहीं देनी थी, कल रिपोर्ट देनी थी, पर वहां पर चूंकि एक ही दिन सर्वे और वीडियोग्राफी हो पाई है, 4 दिन होनी थी, तो वहां पर अभी भी सुनवाई चल रही हो, आज इस मामले में सुनवाई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और ईदगाह की बगल में ही जुड़े हुए हैं, और वहां पर भी जो पत्रकार है वो कह रहा है कि जो ये ईदगाह है ये कंस के कारागार था और ये कृष्ण जन्मभूमि का ही हिस्सा है, और बाद में किसी संगठन ने, किसी ट्रस्ट ने इसको उनको दे दिया, ये गलत है, क्योंकि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का है और न्यास का है, और ये न्यास ही किसी को भूमि दे सकता है, और किसी संगठन ने अपने मन से अगर भूमि दे दी है तब उस फैसले को नहीं मानेंगे, और यही इस मामले की वजह है, और अब इस मामले में सुनवाई आज है। जी बिल्कुल, क्या लगता है गौरव, जिस तरह से मांग करी गई है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और रोज सुनवाई कर जल्द किसी निष्कर्ष में निकला जाए, तो क्या इस तरीके का कोई आदेश आ सकता है? देखिए, सुनवाई बहुत जरूरी है और सुनवाई जल्द हो रही है, और जरूरी तो लगातार हम देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि मामला देखे 30 साल मामला रहा, उसके बाद अभी भी काफी प्रेशर का मामला, मैं आपको बता दूं जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, अभी हाल में एक मामला आया है जो कि सिंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का जुड़ा हुआ मामला है, इसके पहले भी एक याचिका और दाखिल की गई थी जो कि 30 साल पुरानी याचिका है जो कि काफी कॉरिडोर से संबंधित है, तो यहाँ पर याचिका है और याचिका पर सुनवाई बहुत जरूरी है, और मेरा मानना यह है अगर दोनों पक्ष इसमें अनुमति लेते हैं और दोनों पक्ष की अगुवाई में एक निचल कमेटी बनाई जाए और कमेटी जो निष्पक्ष रूप से वहां का सर्वे वीडियोग्राफी करे, जिस भी धर्म धार्मिक स्थल की वो इमारत निकलती है तो उसको सुपुर्द किया जाए, ऐसी व्यवस्था देश में होनी चाहिए, क्योंकि मामले लगातार अगर जाएंगे अदालत में तो वहां पर मामले बढ़ेंगे और हमेशा ही इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकेगी। तो मेरा मानना है जो भी इमारत है, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो या किसी जन्मभूमि की बात हो, ईदगाह की बात हो, या आपकी जो अभी हाल में ही जो मामला आया है ईदगाह का, जन्मभूमि का, इस पर भी
दोनों पक्षों को बैठना चाहिए, निगरानी कमेटी बननी चाहिए और कोर्ट के माध्यम से एक कोर्ट कमीशन नियुक्त हो, कोर्ट कमीशन नियुक्त होने के साथ साथ वहां पर जाए और कभी दोनों पक्ष के लोग वहां बैठे और साथ में वहां पर निगरानी हो, सर्वे हो, वीडियोग्राफी हो, जिस भी धर्म की वो इमारत धार्मिक इमारत निकलती है उसको सुपुर्द किया जाए। और अभी आप देख रहे हैं कुतुब मीनार का भी मामला आ गया, कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार नहीं वो विश्व स्तंभ है, उसमें भी जो भगवान की मूर्तियां या अभिलेख निकले हैं, तो इस समय देश में जो पुरानी धार्मिक इमारतों हैं उस पर रक्षा कृषि का दौर समय जारी हो चुका है। गौरव, इतने समय से ये सारे मुद्दे नहीं उठे लेकिन एकदम से ये मुद्दा उठ रहा है, क्या ये राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, क्या एक राजनीतिक मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या इसे चुनाव से जोड़ के देखा जा सकता है क्योंकि आने वाले समय में 2024 का चुनाव भी है? एक मामला दर्ज किया गया था, उसके बाद वो याचिका लगातार चली आ रही थी, उसके बाद कहा गया था इसको हम और करेंगे, उसके बाद जो अभी जो नया मामला है ये सिंगर गौरी मंदिर का मामला है। सिंगर गौरी मंदिर ज्ञान बाबी मस्जिद के जस्ट बगल में उसकी दीवार है, उसका मंदिर का मामला है, वो वहां पर साल में एक बार पूजा की अनुमति दी जाती थी, पर अब पूजा की अनुमति जो वहां पर 5 महिला है जिसमें राखी सिंह भी शामिल है, उनका कहना था कि हमको यहाँ पर प्रतिदिन पूजा की अनुमति दी जाए और ये मामला है। उसके बाद अदालत ने इससे फैसला लेते हुए कहा कि यहाँ पर वीडियोग्राफी सर्वे कराया जाए जिसके लिए एक कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा नियुक्त किए गए थे और देखा जाएगा कि कोर्ट सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए कौन सा दिन मुकद्दर करता है, कौन इस बार कोर्ट कमिश्नर बनाया जाएगा और कौन किसकी निगरानी में यहाँ पर सर्वे किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी और जिस तरह से हिंदू पक्षकार की ओर से दाखिल की गई है याचिका उसको लेकर भी सुनवाई होगी कि जल्द से जल्द इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।